मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसके चलते एक दिन में सर्वाधिक 1226 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक 51,866 संक्रमित हो चुके हैं। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद जहां उन्होंने संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है, वहीं रायसेन प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। दरअसल रायसेन जिला मुख्यालय पर चिकित्सालय द्वारा कोविड 19 के नियंत्रण और बचाव के लिए मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई और मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जहां उन्होंने मीडिया के सहयोग और समाज की जागरूकता से कोरोना खत्म होने की बात कही। आज की कार्यशाला में माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी साहब भी पधारे। ये कार्यशाला हमने मुख्य तौर पर जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों चाहे प्रिंट मीडिया के हों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे पास जो वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप है, हमें जो सूझबूझ मीडिया के द्वारा मिल सकती है, हम उसका पटाक्षेप कर सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य था। और हम सबसे रूबरू हों, हमें पूरी जानकारी मिले और संपूर्ण क्षेत्र में जो हमारी गतिविधियां हैं उनका मीडिया की माध्यम से जन जन तक पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य था। वहीं अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से जिले के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर संपर्क में आए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। रायसेन से कलीम खान की रिपोर्ट।